नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैसे तो इसे हम अपडेट ही कहेंगे क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट के अलावा इसमें सब कुछ है। खैर, पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लगभग कोशिश रहती है कि भर्ती से जुड़े हर सवाल का जवाब इसमें होता है, फिर भी आपके कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं जो कि वीडियो के अंदर ही आंसर में होते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस भर्ती की एक चर्चा करते हैं, इस भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी की बात कर रहा हूँ एनवीएस की, नवोदय विद्यालय समिति की, जिसकी चर्चा प्रीवियस ईयर में भी बहुत हुई थी। पिछले साल भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था और इससे पहले एक रेगुलर वैकेंसी ये कर ही चुके हैं वर्ष 2021-22 में। नवोदय विद्यालय समिति वैकेंसी करेगा, ये देखो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 लिखा है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। दरअसल इस नोटिफिकेशन को अभी निकालने के क्या मायने हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। यानी अपने एक साधारण भाषा में बोलते हैं ना कि खाखा तैयार है, मतलब एडवर्टीजमेंट पूरा तैयार है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ये नोटिफिकेशन पहले निकालने का अभी रिसेंटली ये है क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है आज अपने देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में ऑर्डर्स नहीं निकल सकते, इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑर्डर कल उनको निकालना पड़ा है ताकि प्रोसेस वो कर सके। भर्ती नए फाइनेंशियल ईयर से ही पूरी संभावना है, तो 1 अप्रैल से इस वैकेंसी की हम उम्मीद मानकर चल रहे हैं। आईटी वालों के लिए इसमें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के नाम से पोस्ट आती है, जो पिछली बार भी थी और इस बार भी आएगी। 2023 में मैं बता दूँ वो वाला ये अपडेट या लेटर नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी थी 598 पोस्ट उन्होंने दिखाई थी। अब वो चीज़ें एक्सेप्टेंस के लिए गई है और उनमें से इन पदों को क्या मिला है, एक तरह से मंजूरी मिली है। हो सकता है ये थोड़ा पहले अपडेट निकल गया हो और आज उसका फाइनल अपडेट आ भी जाए, तो उसमें आपको जैसे ही एग्ज़ाम डेट और फॉर्म की एप्लीकेशन डेट और डिक्लेयर होगी तो आपको बताएंगे। अभी आते हैं हम सीटों की संख्या पर, नंबर ऑफ सीट कितनी है। देखो तो आईटीआई वालों के लिए ये होती है पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की पोस्ट है, नीचे पे इसके लोड वो सब होगा। पोस्ट का कोड 11 है, याद रखना, आगे काम बहुत आएगा। माय डियर, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है 75, यानी 75 सीटें हैं। देखो टेबल अलग बनी हुई है, इसे 2023 वाला नोटिफिकेशन मत समझ लेना, बहुत अलग था उसमें। EWS वालों के लिए भी 12 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 15, SC की 23 और ST की 3 सीटें हैं, जबकि टोटल 128 सीटें हैं, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि OBC की कम और SC की ज़्यादा कैसे है, तो इनमें आप बैकलॉग को इंक्लूड मान सकते हैं और OBC की नॉन क्रीमी लेयर की है इसलिए थोड़ी सी इसमें सीटें कम है। 75 सीट अनरिजर्व की है, टोटल 128 सीट है, बाकी ये फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी है। यानी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी है उसमें आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकेंगे, 128 सीट यहाँ पर है। एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊँगा, क्या प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न पर जब चर्चा होगी तो मैं आपको ये भी बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में ये फिजिकली हैंडीकैप्ड का क्राइटेरिया आ गया कि कौन कौन किस किस तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भर सकते हैं। चलो मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ले चलता हूँ, आ जाइए जी। ये है देखो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, ठीक है, दिखाई दे ही रहे सब कुछ। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर पोस्ट कोड 11, सबसे पहले तो देखो लेवल 2 में रखेंगे जहाँ 19,900 रुपये बेसिक आपका पहला बेसिक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, भारत सरकार की वैकेंसी है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया देखो 18 से लेकर 40 वर्ष तक, और ये भी किसके लिए होता है माय डियर, किसके लिए होता है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट है,
जैसे ओबीसी में आप हैं तो आप इसमें 3 साल अपने और ऐड कर लीजिए। एससी और एसटी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो अपने 5 वर्ष आप इसमें और ऐड कर लीजिए। ये रहेगा आपका यहाँ पर पे स्केल वगैरह। आ जाइए माय डियर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो जी, क्वालिफिकेशन में 10वीं पास हो, आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या वायरमैन में, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों। उसके बाद में देखो जी, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग का काम किया हुआ। अब देखो ध्यान से मैं बताऊं, इतने सारे फ़ोन आएंगे एक्सपीरियंस के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर 4 वीडियो बना चुके हैं, आराम से चारों वीडियोस को देखना है। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखवानी है, प्रूफ के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें। दूसरा पॉइंट मैं बता दूं कि इनका जो एक्सपीरियंस की बात मैं करूं, पिछली भर्ती में जो हुआ था मैं बच्चों के साथ वो भी आपको बताऊं, जो पूरी तरह से लीगल थे, सरकारी नौकरी में थे, उनके एक्सपीरियंस को तो रिजेक्ट कर दिया, जबकि कुछ ऐसे ही अपनी तरफ से लेकर गए थे उनका एक्सेप्ट भी हो गया। तो याद रखना, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह की जांच, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बोर्ड में अधिकारी कैसे बैठे हैं, वो किस तरह के हैं। वो कमियां निकालेंगे तो एक एक चीज़ में निकालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो वो सपोर्ट करेंगे, तो आपको तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेंगे। आप यहाँ अगर कोई भी अपने जहाँ आपने काम किया हो उनसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं, तो आप लेब अटेंडेड नाम से या टेक्नीशियन कम अटेंडेड नाम से बनवाएं, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इनको वायरिंग इंस्टॉलेशन और वही चाहिए, क्योंकि देखो ये आपको स्कूल में लगाएंगे, नवोदय जितने भी है, अब स्कूल में आपको यही है वायरिंग, पंखा, ट्यूबलाइट, ये वो, तो इसी तरह से जुड़ा हुआ काम आप दिखाएं अपने सर्टिफिकेट में, जहां आपने काम किया है वहां से, ठीक है ना। तो ये था आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, ये ध्यान रखना है। और बाकी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, उस पर ले चलता हूँ आपको। चलो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले एग्ज़ाम सेंटर की सिटीज आइए, तो इनके नाम आपको दिखा देता हूँ, देख लो। जनरली आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका सेंटर मिल जाता है, सबका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब स्टेट के हिसाब से देखो, आंध्र प्रदेश स्टेट है तो उसमें इतने सारे है, देखो ठीक है, अपने अपने स्टेट के हैं सारे, इसमें मिल जाएंगे। जैसे राजस्थान वाले बच्चे अगर हैं तो देखो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, है ना। पंजाब में अगर देखें तो लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, बठिंडा। तो ये एग्ज़ाम के सेंटर है, और अपने स्टेट के कम से कम 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन की तरफ ले चलता हूँ, रुको। चलो जी, ये है देखो इलेक्ट्रिशियन वालों का एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। तो क्या बताया है इन्होंने, फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, स्टेज 1 में होगा सीबीटी एग्ज़ाम, पिछली बार हो चुका है, इसकी ऑफिशियल आंसर की हमने आपको मेंबरशिप प्लान में प्रोवाइड करवा रखी है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। एक बार आपको मात्र 110-115 रुपये का चार्ज देना है बस, दोबारा कभी चार्ज नहीं लगेगा। इस तरह की परीक्षाओं की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर में देखो कुल मिलाकर रहेंगे 4 हिस्से, जिसके पहले पार्ट में होगा रीजनिंग, दूसरे पार्ट में होगा जनरल अवेयरनेस, तीसरे पार्ट में होगी भाषा संबंधित, हिंदी और इंग्लिश दोनों, 15-15 क्वेश्चन होंगे उनके, और चौथे पार्ट में आएगा टेक्निकल, जिसके होंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। ये पिछली बार पेपर इन्होंने ले लिया है, उसी तरह का इस बार भी आपको देंगे, ठीक है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर के लिए, 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट, ठीक है ना। पेपर हल करने के लिए आपको कितना मिलेगा, 150 मिनट मिलेगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश के आएंगे दोनों के 15-15 क्वेश्चन, जिनको मिला करके 30 क्वेश्चन दिखाए हैं, ठीक है ना। 15 और 15, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के।
और उसके बाद में आएगा टेक्निकल के 60 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट मिलेगी। ये काम थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन को हल करने के लिए एक मिनट से ज़्यादा का समय मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सही है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और इसका पिछला पेपर कैसा आया था वो आप ज़रूर पढ़िए। इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करके उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है इसमें, और कोई ज़्यादा अपडेट अभी नहीं आया। फीस का पता नहीं लगा है, क्योंकि अप्लाई हो कैसे होगा इसका कोई डाटा नहीं दिया। हाँ, इन्होंने बताया ज़रूर है कि अप्लाई कैसे करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप भी वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया तो है, लेकिन कब से कब तक अप्लाई होगा ये नहीं आया। और मुझे लगता है कि अगर ये आजकल में डिक्लेयर हो जाता है तो इसकी अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पर सूचना आपको दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और ये PDF भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फॉर्म की फ़ीस, सॉरी इन्होंने बताई है, फॉर्म की फ़ीस आपकी 1000 रुपये के आसपास है, ठीक है ना। 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है, और किसी के 1000 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है, 500 रुपये, तो 1000 से 1500 रुपये के बीच में फ़ीस रहेगी, सॉरी, ठीक है। और मुझे लगता है कोई जानकारी इसमें अधूरी नहीं रही, फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, कोशिश करेंगे कि अगर इसका फुल नोटिफिकेशन डेट के साथ मिलता है तो आपको एक छोटा अपडेट ज़रूर देंगे। लेकिन तैयार हो जाओ, वैकेंसी की पूरी संभावना है, ये कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ऑर्डर निकाला है, तो ये इस तरह के पूरे बनते हैं, ठीक है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।